दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव पर बहस के दौरान कहा कि मेरे परिवार और पूरे कैबिनेट के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, सभी को एनपीआर के तहत डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। ये डर सबको सता रहा है। केंद्र से मेरी अपील है कि एनपीआर और एनआरसी को रोक दिया जाए। केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली विधानसभा में 70 विधायक हैं, लेकिन सिर्फ 9 विधायकों ने कहा कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है। उन्होंने पूछा कि 90% लोगों के पास ये साबित करने के लिए कोई सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, क्या सबको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। नागरिकता को लेकर चल रही इस मत्थापच्ची के बीच में ये खबर भी आई है कि प्रधानमंत्री की नागरिकता का सबूत उनका भारत में जन्म लेना है। देश में सीए, एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर चर्चा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये जानकारी आरटीआई के जरिए सामने आई। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुभाग 3 के अंतर्गत जन्म से भारत के नागरिक हैं। बता दें कि पानीपत के रहने वाले पीपी कपूर ने आरटीआई दाखिल कर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके सभी मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, मंत्रीगण के भारतीय नागरिक होने संबंधी सबूतों को सत्यापित छाया प्रति प्रत्येक के नाम सहित सूचना मांगी थी। बता दें कि देश में जहां एक तरफ सीए और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग एनआरसी के चलते समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। असम देश का ऐसा इकलौता राज्य है जहां एनआरसी को लागू किया गया, जिसने वहां के 40 से 41 लाख लोगों की नागरिकता छीन ली। इन्हीं लोगों में शामिल थी एक असम की जुबैदा बेगम उर्फ जुबैदा खातून, जिनके 15 दस्तावेज दिखाने के बावजूद उन्हें नागरिकता नहीं मिली। जुबैदा ने विदेशी न्यायाधिकरण के खुद को विदेशी घोषित करने के आदेश को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जुबैदा को भरोसा था कि उन्हें नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन कई दस्तावेज दिखाने पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि फोटो युक्त वोटर आइडेंटिटी कार्ड किसी व्यक्ति का नागरिकता का अंतिम सबूत नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी कहा कि भूमि राजस्व रसीद, पैन कार्ड और बैंक दस्तावेजों का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता। दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।